दूसरी चीज क्या है? कनाअत। आदमी को मालूम हो उसको रुकना कब है जिंदगी में, आदमी को मालूम हो सब है मेरे पास, अब रुकना है, लेकिन आदमी नहीं रुक पाता है। एक कंपनी से दो कंपनी, दो कंपनी से तीन कंपनी, फैक्ट्री से दो फैक्ट्री, इंटरनेशनल से इंटरनेशनल, आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, यहां तक के पांव ठोकर लग के गिरता है तो कहां? कब्र में। दुनिया जिंदगी खत्म, वो कुछ कर नहीं पाता है, वो उसी में लगा रहता है चक्कर में कि बढ़ाने के बढ़ाने के बढ़ाने के चक्कर में, कब रुकना उसको मालूम नहीं है। इतना होता है कि उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा था, लेकिन कभी उसको सुकून से खाने नहीं मिला, कभी उसको सुकून से सोने नहीं मिला। उसके पास जितने काम करने वाले हैं वो सब जाके घर पे आराम से रात को सो रहे हैं, ये रात को 2 बजे तक अकाउंट की किताब चेक करते बैठा है। उसकी कंपनी में काम करने वाले वक्त पे खा रहे हैं, लेकिन ये बस सब मीटिंग में बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है, यहां जाना है वहां जाना है, खाने नहीं मिल रहा उसको। तो दुनिया की चाहत एक इंसान के चैन और सुकून को खराब करती है। दुनिया के माल और मता इंसान को सुकून नहीं दे सकते। जो आदमी समझता है कि पैसे से सुकून और चैन मिलता है, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी हो। माल और दौलत से, पैसे से सुकून और चैन नहीं मिलता है, बल्कि देखने में ये आया है कि कितनों की जिंदगी का सुकून उससे खराब हुआ मिलने के बाद। पैसा बुरा भी नहीं है, लेकिन पैसा वो जरूरत नहीं जिसके बगैर इंसान सुकून नहीं पा सकता है। अगर ऐसा होता तो नबियों के घरों में कभी सुकून नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में माल और दौलत नहीं, लेकिन चैन और सुकून है। तो ये दूसरा मसला यानी इलाज ये है कि आदमी कनात इख्तियार करे। उसको मालूम हो अल्लाह ने जितना दिया है मेरे लिए बहुत है, वो जिंदगी की दौड़ में रुकना जानता हो, ये नहीं कि मरने तक दौड़ता रहे। अचीव बहुत सारे लोग कर लेते हैं जो करना है उनको, लेकिन रुकते नहीं और जिंदगी के मकासिद को छोड़ देते हैं और ऐसी चीजों में लगे रहते हैं जो जिंदगी का मकसद नहीं है। आदमी को चाहिए कि उसके सामने जिंदगी का मकसद हो। बाज़ औक़ात वसाइल में इतना दौड़ते रहते हैं कि मकासिद फौत हो जाते हैं, मीन्स के पीछे इतना दौड़ते हैं कि गोल्स रह जाते हैं। यह आदमी को याद रखना चाहिए कि मेरी जिंदगी की जरूरत क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मकसद के लिए जरूरत कुर्बान हो सकती है, जरूरत के लिए मकसद कुर्बान नहीं हो सकता है। ये जिस इंसान ने समझ लिया वो कामयाब है। मकसद को जरूरत पर तरजीह दी जा सकती है, लेकिन जरूरत को मकसद पर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलगिना फिल कल्ब वल फक्र फिल कल्ब, मालदारी दिल में होती है और फ़क्र फाका भी, मुफलिसी भी दिल में होती है। फ़कीर होने का एहसास अंदर होता है, मालदार होने का एहसास भी अंदर होता है। एक मालदार आदमी भी अपने से 10 गुना मालदार के बाजू बैठता है तो अपने गरीब होने का एहसास उसको होता है कि इससे मैं गरीब हूँ, इसके पास क्या क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसके जैसा नहीं मेरे पास। तो इसके पास है लेकिन इसके पास ना होने का एहसास क्यों, मालदार क्यों देख के हुआ। और एक गरीब आदमी उसको एहसास होता है मेरे पास जितना चाहिए मेरे पास है, बीवी ने खाना खाया, बच्चों ने खाया और खुशी खुशी बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ ली हमने और अल्लाह कल देगा, जिसने आज दिया वो कल भी देगा। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं है लेकिन आज का हुआ ना कल का कल देखेंगे। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, ये फर्जी लोग नहीं है, वाकई ऐसे लोग दुनिया में है। तो ये गिना कल्ब में होती है और फक्र भी कल्ब में होती है। मन कान अलगिना फी कल्बिही ला यदुरुहु मा लकिया मिन अद्दुनिया, जिसकी मालदारी उसके दिल में है, दुनिया में जो भी हालात उस पर आए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जिसकी मालदारी उसके दिल में है, दुनिया में कैसे भी हालात आए फर्क नहीं पड़ता उसको। व मन कान अल फक्र फी कल्बिही फला युग्नीही मा उक्तिर लहु फी दुनिया, और जिसके दिल में ही फकीरी हो, जिसका दिल ही मोहताज हो, मोहताजी के एहसास में मुबतला बीमार हो,
दुनिया में कितना भी उसको मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में से कितना भी दे दिया जाए उसका एहसास खत्म ही नहीं होता। कल 10,000 तनख्वाह थी, सोचता था 20,000 हो जाए बहुत खुश, आज 50 है लेकिन आज सोचता 50 भी काफी नहीं है और चाहिए। कल इतना था, आज कल किसी के यहां काम करता था, आज उसके यहां 50 आदमी काम करते हैं, लेकिन अगर पलट के देखे तो ऐसा लगता है कि उसमें मैं खुश था आज खुश नहीं हूं, उसमें सुकून था आज सुकून नहीं है। कितने लोगों का हाल ऐसा है। तो अंदर जो हिर्स होती है ये इंसान के चैन सुकून को खराब करती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो ऐसा इंसान है जो पानी पी रहा है लेकिन प्यास बुझती नहीं। तो आप सोचिए, उसको आप पानी पिला दें कितना भी, वो पीने से तकलीफ तो हो जाएगी, पेट भरने का एहसास होगा लेकिन प्यास बुझने का एहसास नहीं होगा। कितने मालदारों का ये हाल होता है। आपने फरमाया वा इन्नमा यदुर्रु नफ्सहु शुहुहा, आदमी को उसकी लालच नुकसान पहुंचाती है, लालच फायदा देती नहीं, उसकी लालच उसको नुकसान पहुंचाती है। इमाम अन्नसई ने इसको रिवायत किया और इब्न हिब्बान ने भी।